लो आ गए, आ गए अपने बाप का घर समझ कर आ गए। अरे मो अपना पेट नहीं भरता, दूसरों का भंडार कैसे भरूंगा? दूसरा कौन रे? छेदी कोई दूसरा है? हाँ छेदी। जब देखो गलत बात करे, हमेशा अपना सौतेला लेकर बैठ जाती। छेदी की बात कौन कर रहा? तो फिर इन लोगों की बात कर रहा है ना? ये मेरी सगी बहन है, बाढ़ में घर बह गया इसलिए बेचारे आ गए। आ गए, आ गए, धर्मशाला समझ कर आ गए। मेरा बाप जैसे पैसों का पौधा छोड़ गया ना, जब जी चाह पैसे तोड़ लिए। तुम्हें क्या मालूम इस कड़क की धूप में पैसा कमाने के लिए मुझे क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखो जगन भैया, हम तो यहाँ आने वाले थे। हाँ वो तो गाँव में बाढ़ आ गई थी इसलिए मजबूर होकर अंधी माँ को लेकर के यहाँ आना पड़ा। लेकिन हम यहाँ रहेंगे तो मुफ्त में नहीं रहेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। हाँ वो जो मौसी दूध पहुँचाने जाया करती थी ना, उसकी जगह मैं जाया करूंगी और उसके बदले में तुम हमें खाना दे देना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। अरे तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? चल गाड़ी निकाल। भैया सियाद ये नीचे नीचे। भैया क्या ऊपर नीचे सियाद गया, हमको आदत है। मुसीबत में मुसीबत, एक तो नाटक कंपनी चलती, ऊपर से 15-15 खाने वाले। सियाद जी गाड़ी और हम दोनों तैयार है, जल्दी करो जी, पेट्रोल कम है। चल बे। क्या सेठ जी हमको डांस मास्टर को ड्राइवर बना दिया? अरे चुप है। क्या चुप है, इतना बड़ा गाड़ी घोड़ा गाड़ी तोड़ के चाबुक मारा। चल आइए अम्मा। देख मैं इस गांव में नहीं हूँ ना, कहाँ कहाँ जाना है साथ से मेरी जान पहचान करा दे, और ये भी बता दे कि कहाँ कहाँ कितना दूध देना है। अपनी भैंस का 10 लीटर दूध सुबह और शाम 4-6 घरों में देना पड़ता है। लेकिन छेदी तुम्हारे गांव की भैंसों में कोई दम नहीं रहे, मेरे गांव में तो एक एक भैंस 50-50 लीटर दूध देती है। दीदी तुम क्या फेंकती हो, एक भैंस 50-50 लीटर दूध दे सकती है? हाँ तो थोड़ा कम होगा रे, मेरी आदत जरा बड़ा चढ़ा के बोलने की है, तू अपने हिसाब से कम कर लेना। मैं भी कितना कम करूँ? ठीक है ठीक है, उसका हिसाब अपन बाद में कर लेते हैं, अभी कहाँ जाना है? कलुआ के घर। चल चल लो बहन दूध ले लो। दीदी ये कौन है रे? चाची ये मेरी मौसी की बहन है। क्यों मौसी नहीं आई? तुम्हें दूध चाहिए या मौसी? जिस गांव में कौवा नहीं होता उस गांव में सवेरा नहीं होता है क्या? आज से दूध मैं दे जाऊंगी, मेरा नाम तुलसी है। नहीं बहना आज से दूध बंद कर दो। क्यों? मेरे पति फौज में मारे गए, अब सरकार से जो मिलता है उसमें 3-3 बच्चों का गुजारा नहीं होता। कैसी माँ हो, बच्चों की मुँह से दूध चुराती हो? तुम समझोगी नहीं बहना, तुम्हारा 3 महीने का हिसाब चढ़ गया है, वो भी तो अदा होना चाहिए। पैसे मिल जाएंगे, भगवान पर भरोसा रखो। छेदी दूध आप। माँ पापा का बुखार और बढ़ गया है। अच्छा चल देखती हूँ। बुखार हो गया? दूध है। राम 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 राम, बच्चे का बदन तो जल रहा है, डॉक्टर साहब को नहीं बुलाया क्या? भेजा है कलवा को, लेकिन उसके लिए भी तो पैसा चाहिए, मुफ्त में रोज रोज कौन इलाज करेगा? अरे कैसे नहीं करेगा, उसका बाप भी करेगा, मैं भी डॉक्टर साहब को लेके आती हूँ। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। नहीं कोई भी नहीं है क्या? चलो कोई जवाब ही नहीं देता है, जाने कहाँ चले गए। कोई बात नहीं आ जाएंगे। ये तो पिंजर है, पिंजर मर्द का है या औरत का? मर्द का? नहीं वे वाह। अरे बाप रे, चल रही है। क्यों कलुआ महाराज, कौन सी दिशा से वापसी हो रही है? डॉक्टरनी के पास गया था मगर वो दवा खाने में नहीं है। डॉक्टरनी? अरे कहाँ बकते हो, कहाँ गया वो पुराना यतीम डॉक्टर जिसके पास हमारे गांव का कोई आदमी नहीं जाता था? इसीलिए तो वो गांव छोड़कर भाग गया, उसकी जगह एक नई डॉक्टरनी आई है। डॉक्टरनी आई है, लेकिन आप क्या करने के लिए गए थे वहाँ? बबुआ को बहुत तेज बुखार है ना। बुखार है? अच्छा तू चल, हम उसका हरण करके आते हैं। अरे कमाल है डॉक्टरनी साहिब, अरे कलुआ महाराज इंतजार कर करके घर चले गए और आप यहाँ बैठी हैं, हम आपको लेने आए। चलो। क्या बबुआ की तबीयत बहुत खराब हुई गई है,
चल के देख लो और दवा भी दे दो। क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा? ओह, अरे गरीब की आवाज सुन के तो भगवान का सिंहासन भी डगमगा उठता है। क्या बक रहे हो? लो पूरी रामायण खत्म होगी और पूछ रही कि राम और रावण कौन है और ऊपर से कह रही है कि हम बकरे हैं। इतना चलती हो कि नहीं? कहाँ ले जाएगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। अच्छा, अरे जाजा हाथ लगा के तो देख। बम काली कलकत्ते वाली, तेरा वचन जाए ना खाली। अरे डॉक्टर जी देखो, 10 मिनट में हमारे बबुओं का बुखार उतर जाना चाहिए, नहीं तो ये बुखार हम तोरे पर चढ़ा देंगे। क्या मगर बच्चे को देखने तो मैं आई थी। ये लो, दवा खाने से एक मरीज को देखने चली गई थी, वहाँ से सीधे यहाँ आई। तो फिर आप कौन? ये नर्सी है, छेदी की दीदी। अरे छेदी की दीदी हो या सुराग की नानी हो, बोलना तो चाहिए, हम तो कपड़ा देख के धोखा खा गए। चलो निकालो कपड़ा और डॉक्टर नी को दे दो। अरे निकालती हूँ, निकालती हूँ। निकालो ना। अरे कपड़ा पहनने से थोड़ी कोई डॉक्टर हो जाता है। चश्मा ये ले। अच्छा गई थी क्या कभी? मुझे दूध वाले और दवा वाले सब एक ही लगती है क्या? मेरी गर्दन टेढ़ी कर दी, अंधा कहीं का। ए, गाली देती आगे कुछ मत बोलना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे क्या अच्छा नहीं होगा? तू गुंडा है, डाकू है, बदमाश है। तू काली है, कलूटी है, तू बैंगन है, तू लुच्चा है, लफंगा है, उल्लू है। एक हमारा नाम भी शंभू है, गांव में उठना बैठना बंद कर देंगे ज्यादा टैटा की तो। हाँ अरे जा जा, बड़ा आया गाँव वाला, शंभू का मैंने बम्बू ना बना दिया ना, तो मेरा बिना तुलसी दूध वाली नहीं। चल रहे छेदी। दीदी तुम जो इस तरह सबके साथ झगड़ा करती रहोगी ना, तो अपना दूध के साथ अंडा भी बिक जाएगा। तो क्या सबके साथ मैं झगड़ा करती हूँ? सबके साथ नहीं, मगर शंभू भैया के साथ तो करती हो। तेरे शंभू भैया के साथ मैं झगड़ा करती हूँ? वो सारा डॉक्टरानी के घर में घुस गया, मैंने झगड़ा किया। मुझे कंधे पर उठा के लेके गया, मैंने झगड़ा किया। मुझे बच्चे का इलाज करने को कहा, मैंने झगड़ा किया। मगर कितनी गाली दी? तो क्या गाली भी नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। अच्छा भाई नहीं देते? 29 किलो ऊपर 100 और डाल, और ऊपर 200 ग्राम, 200 ग्राम। अरे क्या करो तो भैया, गुड़ तोलो तो कि सोना। अरे भैया ये कोई नीलाम का माल नहीं, पसीने की कमाई है समझे। और तुम कौन सा गिराक को छटाक दुई छटाक ऊपर दे दे तो। अरे हम तो परचूरन के व्यापारी हैं और तुम तो थोक बेचे तो, कुछ सोच समझ के तोलो भाई। अरे वजन बराबर है। क्या बराबर है यार? अरे हाँ जब बोरी ला, बोरी जब भर उसको जल्दी करना। बेच दिया है क्या? हाँ धोखा हुआ। अरे तुम तो जानत हो शंभू मीठी चटनी कितने शौक से खाता है। अरे खात है तो खाया करे, हम का शंभू के डर से धंधा नहीं करेगा। आए ठीक से तौल। अरे 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 रखो ना, ऐसा ग्राहक बार बार ना ही आवत है, 80 रुपए के भाव से खरीद रहा है। वो बात तो ठीक है, पर शंभू से पूछ तो लिया होता। अब उससे पूछने कहाँ जाए हम, वो बैठा होगा कहीं दारू पीते जगन के साथ। अरे जगन तू ही बता, तो हर इतनी बड़ी नाटन कंपनी होने के बावजूद क्या हमारे लिए रोल नहीं है? हाँ अरे हम ड्रामा कंपनी करके बताए, तू हमारे चांद का टुकड़ा, हमारे दिल के 1000 टुकड़े, एक यहाँ गिरा एक वहाँ गिरा। प्रेम, प्रेम चोपड़ा नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। तू राम ज्यादा है हमारे दारू पी रहा है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तू हमेशा हमका झांसा देता रहा। अब छोड़ दे, वरना लोग दारू छोड़ कर टिका लेना शुरू कर देंगे। मेरे बाप, मेरा वादा रहा कि तुझे जरूर हीरो बनाऊंगा। वादा? हाँ पक्का वादा। लेकिन चब्बू उस दिन जो तूने अपने भाई से बगैर पूछे मुझे बीज दिए थे ना, वो तेरा भाई वापस मांग रहा है। क्या बात यह है यार, मुझे तेरे भाई से लगता है डर। मेहनत करें हम, सब कुछ करें हम, और डराए हमारे भैया। अरे कहाँ किशन भैया तेरी तो? अरे अरे काहे को मुसीबत खड़ी करता है यार, बात बात पर काहे को भड़कता है? लगता है तुझे डर गई है। डरी नहीं है, वो तो क्या है कि बचपन में 21 दिन का ताप चढ़ा था, अब जवानी में हम सर पे चढ़ जाते हैं। देख शंभू, गुस्सा दूर कर और ठंडे दिमाग से सोच, अगर तेरे भैया केशव ने मुझसे बीज 10 बीज के दाम मांग लिए तो मैं बेचारा गरीब कहाँ से दूंगा, कहाँ से दूंगा? अरे तू फिकर मत कर, हम बड़ी बहू से जाके बात करते हैं, अरे उनका हुक्म कौन टाल सकता है? हा? अरे मेरी जान जियो, जियो मेरी जान। अच्छा बेटो अरे गुलमा की मुंडी चोरी हो गई, कोई जरूर साला चोर ले गया होगा। चलो हैं
ये तो जिंदा है बगैर मुंडी के सही।